अभी कंडीशन क्योंकि क्लियर होगी तब पता चलेगा क्या है क्या नहीं है क्या स्थिति है। है जी ठीक है, मुझे कौन है सबको जानता हूँ अच्छे से। देखिए जो कुछ सिक्के मिले हैं वो कुषाण काल के हैं, तो कुषाण लोग आए मध्य एशिया से और उन्होंने उत्तर पूर्व भारत के ऊपर पूरे के ऊपर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया और ये काफ़ी ऐसा साम्राज्य था जिसमें कि काफ़ी ट्रेड कॉमर्स सब कुछ बहुत विकसित हुआ और हर जगह के लोग चाहे वो ईरानी हों चाहे भारतीय हों चाहे मध्य एशिया के मूल के हों सब एक साथ रहा करते थे, उनके सिक्कों में सबके ही देवी देवता मिलते हैं तो इसलिए दिखाते हैं कि काफ़ी वो विकसित किस्म के लोग थे मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। उनका जो क्षेत्र है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनके अधीन रहा है उस दौरान करीब दो आप लेके चलें करीब 50 साल तो बिल्कुल ही पूरी तरह से, पर उसके बाद भी उनके कई शासक यहाँ रहे हैं जो 200 साल तक करीब वो लोग यहाँ शासन करते रहे। तो उनके यहाँ सिक्के और अवशेष जगह जगह गाँव के अंदर मिलते रहे हैं, पहले भी मिले हैं, पर इस तरह से एक एक ही स्थान पर एक मट्टे में इतने सारे सिक्के मिल जाना ये एक अनोखी बात है। जो काल था उसी के हैं उसके अब इनका जो एनालिसिस किया जाएगा सबका साफ करके इनको, उसके बाद इनका राजा कौन सा था और वो सब डिटेल आ जाएगी, पर कुषाण वंश के ही हैं।